सर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज 4 दिन या 5 दिन रह गए, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर किया है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके ख्याल से क्या उनको इस वक्त बात करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है, ये टू टू एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे, चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत है जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें, तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है, जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्माद को बहाल करने के लिए? देखिए दोनों तरफ से मसला इस वक्त किस चीज का, इत्माद का है। तो इत्माद करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू करते हैं। वो चंद चाइनीज सामने बैठे हैं आपके, तो आप उनको सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो आप उसको वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखे हम कितने अमन पसंद हैं, देखे हम तो भाई बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने एक बेबी स्टेप, एक आप एक कदम आगे चलते हैं, दो कदम पीछे आ जाते हैं, इस तरह थोड़ा ही काम चलेगा। आपने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था हाई कमीशन में, ट्रेड शुरू किया आपने? नहीं किया। दूसरा ये कि वो उनको एतराजात हैं, वो हर जगह पे जाके उन्होंने कहा कि टेररिज्म को बंद करें अपने अंदर से, आपने उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जो वो एतमाद की फजा बहाल हो? तो ये सारी चीजें करनी होंगी। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये पोर्टफोलियो आपका है नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट का, डिफेंस का, ये डिफेंस के अंदर आता है और डिफेंस को ही इसका इसको डील करना होगा। बैक चैनल चाहे डिप्लोमेसी में जाए, चाहे जिस तरह भी करें, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर को एड्रेस करें। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा, इसकी सबसे बड़ी जो तरीकाकार मुझे नजर आता है, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करें, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी, और एक दूसरे के इत्माद को बहाल करने का जो है वो स्टेप्स लेकर फिर इन चीजों पे आए। ये इस तरह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रही है, ये सियासी स्टेटमेंट है, इससे आगे इसका कुछ, इसका मेरे ख्याल में क्या जवाब होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूं, मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूं कि पाकिस्तान की बका, तरक्की और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही जो सीक्रेट है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड। इसके बगैर ना पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, बल्कि कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान पे ही नहीं है, ये फार्मूला इस यूनिवर्सल थिंग होती है। आपको भारत के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के, चाइना के साथ, और खासकर बिलखसूस भारत पे मैं क्यों ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि आपकी जंगें इनके साथ हो चुकी हैं, आपने नफरतों में 76 साल गुजारे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को डिफ्यूज किया जाए। और इस वक्त अगर देखा जाए, और वाहिद जिस तरह अगले दिन जब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर गए थे भारत के दौरे पर, तो वहां पर यह बड़ी चीज डिस्कस की गई कि हमारी सिमिलैरिटीज है उनके साथ, तमिल कम्युनिटी है, हमारा रिलीजन उनके साथ मिलता है, हमारी वैल्यूज उनके साथ मिलती है। तो मैं जिन लोगों की बात, जिन कंट्रीज की बात कर रहा था, उनमें से सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज तो आपकी भारत के साथ है, और इन्हीं लोगों के साथ आप सदियों रहे हैं, और आप अब इस वक्त जो है वो इश्यूज चल रहे हैं, बल्कि दोनों साइडों पे, ये कोई इधर की बात नहीं, उधर भी देख लें। आज अगले दिन यूपी के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है ANI पे, उन्होंने कह दिया मस्जिदों को मस्जिदें ना कहें, वहां से भी इस तरह की आवाजें आती है। ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ इस साइड पे ही है, उधर भी हिंदू मुस्लिम दंगों को जो है वो प्रमोट चीजें हो रही हैं, कई लोग उससे सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त आपने देखा होगा दिल्ली में, और वहां भी चीजें हो रही हैं, गुड़गांव के एरिया में भी, और उनको गलत, और इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि इससे लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पिछले दिनों में सीमा के भारत जाने पे लोगों ने उस पर सियासत करने की कोशिश की है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन ये चीजें कम करनी होगी, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इसको कहा है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर बहुत से लोग इंडियन साइड पे जो है वो बिल्कुल यही कह रहे हैं, बल्कि काफी नामी किस्म के लोग भी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम बात करना नहीं चाहते, जो कुछ पहले किया है पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद वो कहते हैं हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बात भी की जा रही है।
जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले अपना होमवर्क करना होगा इन चीजों को, ये चीजें करने के लिए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये बताएं, या तो भारत को भी बताएं, लोगों को भी बताएं कि आपने कौन से स्टेप्स उठाए हैं जिसपे एक एतमाद की फिजा जो है वो बहाल हो। लेकिन ये कि अभी तो लग रहा है कि जिस तरह ये सियासी थी, जिस तरह 4 दिन बाद वो जाने वाले हैं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि कुछ घंटे उनके रह चुके हैं और उन्होंने अब सारे वो जो फंडामेंटल मिसाइल, जो बुनियादी मिसाइल थे पाकिस्तान के, उनको एड्रेस करना शुरू कर दिए अब। लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको फोकस करना चाहिए कि वो दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे, कोई और किस तरह की चीजें, उनको तवज्जो देनी चाहिए। इलेक्शन तो मुझे लग रहा है कि शायद हो या ना हो, उसके बारे में भी चहमगोइयां हो रही हैं। जो मैं 2-3 आपको मैं इसके जो कल परसों से बातें हो रही हैं, रूमर्स हैं, वो ये है पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। लोग समझते हैं कि ये इसका मतलब ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे, डिले होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन होने होते तो इन्होंने प्राइस नहीं बढ़ानी थी। दूसरा जो लोग इस पे जो है फ्लैग वो ये है कि नवाज शरीफ साहब अभी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने और इसमें प्रेडिक्शंस में। लेकिन लग नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि अभी नहीं होंगे, डिले में होंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान अभी ग्रे एरिया से नहीं निकला है। फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, चीजें चल रही हैं, और बिलखसूस जो आपका अगले दिन धमाका हुआ है बाजौड़ के अंदर और चाइना के प्रीमियर के आने पर, वो उस पर एक अभी तश्वीशनाक है। और ये पहला धमाका नहीं था, पिछले 2-3 हफ्तों से तकरीबन इसमें धमाकों में केपीके के अंदर तेजी आती जा रही थी। अब देखें कि इसको किस तरह रोकते हैं, किस तरह इसको डिफेंड करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को ब्लेम किया है, एजेंसियों को ब्लेम किया है, तो वो हक बजाना में वाकई कि ये इसको पता, ये इंटेलिजेंस फ्लोर है ये, मैं समझता हूँ कि इतने लोगों का हलाक होना वहां पे और उसकी तवज्जो नहीं दी गई है, जिस तरह भी है। अब गॉड नोस कुछ लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन डिले करने का टैक्टिक है, जो कि गलत है। मैं समझता हूँ सर इलेक्शन तो किसी तरीके से भी डिले किए जा सकते हैं, और यही जो आप कह रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन कम से कम 6 से 8 महीने डिले किए जा रहे हैं। लेकिन सर इमरान खान के खिलाफ भी फैसला सुना है कि इसी वीक में आ जाएगा या ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक में, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के ऊपर जो बात हो रही है, तो उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। आपके ख्याल से ये बेहतर है कि किसी लीडर को जो है साइडलाइन करके उनको आने ही ना दिया जाए इलेक्शन में, ऐसी क्या उनसे घबराहट है? देखें, घबराहट तो खैर मेरे ख्याल में फैसला तो आने वाला है, क्योंकि उसमें 5 अगस्त में जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, और लग रहा है कि उससे पहले ही फैसला देखे जाएंगे। लेकिन देखें, आप सियासी लीडर, सबसे पहले तो सियासी लीडर मैं इनको समझता नहीं हूँ, क्योंकि इनके अंदर सियासी रवायात ही नहीं है, इनके पास इनकी सियासी तरबियत ही नहीं है इनमें। अब तो वो मजहबी लीडर बन चुके हैं, सियासी लीडर कम है, मजहबी लीडर ज्यादा है। लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माजी में फेयर इलेक्शन हुए हैं? आप समझती हैं कि कभी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है इसको, सियासत या सियासतदानों को नहीं छोड़ रहे, कभी लोगों को, अवाम को ये मौका दिया गया कि वो अपने अपने अपनी मर्जी का या अपने इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने? मेरे ख्याल में बदकिस्मती है। आरजू मैं एक और बात बताना चाहूँ, चलिए इसी से बात शुरू होती है, मैं आज इसको मजीद डिस्कस इस तरीके से करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में तो जमहूरियत शुरू नहीं हुई ना, आपने तो उनकी बुनियाद ही नहीं रखी। आपकी हर जो लोग जिनको आप सियासी कहते हैं, सियासी पार्टियां कहती हैं, कहते हैं आप, ये एस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के वतन से पैदा हुए सारे। भट्टो साहब थे वो अयूब को डैडी कहते थे, नवाज शरीफ साहब हैं जियाउल हक के पास गए थे, इनके वालिद साहब सुना कहते हैं कि क्रिकेट टीम में ला दें, लेकिन वहां से उनका सियासी सफर शुरू हो जाता है, चीफ मिनिस्टर जिलानी साहब ने बना दिया फिर उसके बाद। और ये हमारे अभी जो मजहबी पेशरवा हैं, हमारे सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन, इनके इनको तो बिल्कुल प्लेट में रख के सारा कुछ दिया गया। खुद बयान दे चुके हैं कि एजेंसियां मेरे बजट पास कराती थी, लोगों को घरों से उठा के लाते थे। तो आपने सियासत और जमहूरियत को तो अभी उसको उसकी बुनियाद ही नहीं रखी, आपको क्या पता ये क्या चीज है। मैं जहां बैठा हूं इस वक्त, जहां से बात कर रहा हूं, अब डेमोक्रेसी जमहूरियत यहां डिक्लाइन है उसका। इस वक्त चाइना का जो मॉडल है वन पार्टी रूल, जब से वो पॉपुलर हुआ है तब से लग रहा है कि जमहूरियत इन डिक्लाइन है,
और जो लोग जमहूरियत के जरिए हुकूमत में आते हैं वो भी अथॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो अदालतों पे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे, एफबीआई पे वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, मीडिया बाय कर लेते हैं और फिर वो अनलिमिटेड पावर्स को यूज करते हैं, अनलिमिटेड पावर्स। अमेरिका की मैं मिसाल देना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंडाइट कर लिया गया है कल फिर दोबारा जनवरी 6 में, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और जो खातून जज जो पिक की गई हैं वो उनके उनके बारे में मशहूर है कि वो 6 जनवरी की पहले भी लोगों को सख्त सजाएं दे चुकी हैं, और माइक पेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे यहां पे वो भी उनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ठीक है उन्होंने कुछ जुर्म किया है लेकिन टाइमिंग देखें, वो प्रेसिडेंशियल अपनी कंपेन शुरू कर चुके हैं, इज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और दूसरा इस वक्त अगर देखा जाए तो हंटर बाइडन के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, एफबीआई के पास उनका लैपटॉप मौजूद है, कुछ भी नहीं हुआ उनके खिलाफ। और एक इस तरह लग रहा है कि जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या पूरी एक मशीनरी को एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर अमेरिका के अंदर ये हालात हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि वहां पे इमरान खान साहब को बाहर निकालना जो है वो ठीक है या नहीं ठीक है, हालांकि इमरान खान साहब ने तो कई गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती मैं कहता हूं, मैं 9 मई से भी सबसे बड़ी गलती समझता हूं जब इन्होंने अपनी कौमी असेंबलियों से इस्तीफे दिए थे, गैर जमहूरी कदम था। दूसरा गैर जमहूरी कदम था इन्होंने 2 असेंबलियां सूबा सरहद की और पंजाब की उनको सस्पेंड किया, उनको खत्म किया। अपनी मर्जी की असेंबली में बैठना, अपनी मर्जी की असेंबली में ना बैठना, ये सियासत या जमहूरियत नहीं है। 9 मई को जो जिस तरह वो कह देते हैं, कभी कहते हैं ये एजेंसियों के लोग थे, कभी कहते हैं किसके लोग थे, हालांकि अपना भांजा इनका वहां पे कोर कमांडर घर के सामने खड़ा हुआ था। लेकिन और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कौम को एक मजहब की तरफ लेके जाके जिहाद की तरफ ले जा रहे हैं, ये सियासत नहीं। आज अगर इमरान खान साहब को मैं तो खैर 6 महीने एक दफा मैंने कह दिया था कि खान साहब को अगर कंट्री का दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए 6 महीने सर्वाइव नहीं करेगा पाकिस्तान, लोग तो कहते हैं 6 दिन सर्वाइव नहीं करेगा, कई गोगियां पैदा होगी, कई उस्मान बुजदार पैदा हो जाएंगे, अमलियात शुरू हो जाएंगे, मुर्गियां जलाई जाएंगी काले बकरों के साथ, इस्लामिक अटामिक पावर चलाई जाएगी। सर शबर जैदी साहब ने भी तो कहा था, वो जो एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं उनका भी यही कहना था कि अगर 1 साल और रह गया होता पीटीआई की गवर्नमेंट तो बस फिर काम खत्म था। और खास इकोनॉमिस्ट है और इनके लोग थे, इनके दौर के, इनके वो हैंड पिक्ड थे वो, और कई लोग ये कह चुके हैं इन चीजों के बारे में, रिसर्च के बारे में इनके इनके ऊपर जो एलिगेशन है। पिछले दिनों किसी ने कहा था कि शौकत खानम किस तरह चल रहा है, तो किसी ने कहा था शुक्र करें क्योंकि इमरान खान का वहां कोई अमल दखल नहीं है, वो बोर्ड चला रहा है, ये एक दिन के लिए इनको अगर शौकत खानम हॉस्पिटल दिया जाए तो ये वो भी बंद करा देंगे, ये इनके मैनेजमेंट स्किल्स हैं, क्योंकि अमलियात पे ज्यादा बिलीव करते हैं, काले बकरों पे इस तरह की, और खुदा ना करे कि इस तरह का, मेरा मकसद मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, लेकिन मेरे ख्याल में इस्लाम के अंदर काले जादू की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, मेरे ख्याल ये मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इन चीजों को सख्ती से मना किया गया है, बल्कि शिर्क है कि एक इंसान जो है वो खुदाई दावे शुरू कर दे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ठीक है काले बकरों के साथ आप एटॉमिक पावर चला रहे थे सर, भाई फिर काला बकरा को IMF के लिए भी देना था ना, कुछ 4 काले बकरे करो यार जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाए। लेकिन सर अब तो अमेरिका की इकॉनमी भी खराब हो रही है, सर हमारा क्या बनेगा? देखें अमेरिका की इकॉनमी के, अमेरिका इस वक्त सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चल रहा है। अब वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड क्या है मैं बताना चाहूंगा, हमारे एक प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब ने एक वादा किया था, उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका के फंडामेंटल्स चेंज करूंगा, मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना वादा जो है अपना प्रॉमिस डिलीवर किया है। इस वक्त अमेरिकन समझ कहते हैं इनको इनको डाल दिया जेन में कि जॉर्ज वॉशिंगटन इज नॉट योर फाउंडर, ही वाज अ स्लेव ओनर। यहाँ पे एक मूवमेंट चल रही है कि जेफरसन मेमोरियल को, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेमोरियल है, जेफरसन एक बहुत बड़े अमेरिकन लीडर हैं, उनके उनके मुजस्मे को भी, उनके यादगार को भी यहाँ खत्म कर दिया जाए। इस वक्त अमेरिकन कौन जो है वो कहती है हमारा एंथम जो है वो रेसिस है, हमारा झंडा जो है वो रेसिस है। इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो नील करता है, वो भी अपने झंडे और तराने को वो भी उसके खिलाफ हो चुका है। किस खूबसूरती के साथ उन्होंने सारा कुछ किया है। फिर उसके बाद ये हुआ है, मैं एक मिसाल दूंगा, अब जो मोदी फिच ने आज जो रेटिंग नीचे की है,
इसकी मिसाल ये दूंगा, यहाँ पे एक बहुत सबसे बड़ा बैंक जो था पिछले अरसे में उस बैंकक्रप्ट हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक, जब उस पर रिसर्च की गई थी उसका एक उसकी एक वजह उन्होंने ये भी बताई है कि बैंकक्रप्ट होना कि वर्क फ्रॉम होम, लोग काम पर ही नहीं आ रहे। आज भी अमेरिका के 60-70% फेडरल वर्कर जो है घरों से काम कर रहे हैं, लोग घरों से काम नहीं कर सकते। उसकी आरजू आर्गूमेंट ये है कि हम इंसान जो है एज हमारी इंस्टेंट है, वी आर लेजी। अब आप बेड के साथ बैठ के बेड के ऊपर कंप्यूटर रख लेंगे तो आप कितना अर्सा काम करेंगे। तो वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जा रहा है, अभी भी चल रहा है, और सोशलिज्म की तरफ जाया जा रहा है, मुल्क को चलाने के लिए इंडियंस को इंपोर्ट किया जा रहा है, सारे सीईओज हर सारे चलाने वाले इंडिया से आ रहे हैं, अपने बच्चों को कहा जा रहा है कि आप वीड स्मोक करो, ड्रग्स पियो और दमादम मस्त कलंदर करो। तो इस तरह कंट्रीज नहीं चलते, इस तरह कंट्रीज नहीं चलते वर्क फ्रॉम होम। तो ये अमेरिका की अपनी डिस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग से भाग गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भाग गए हैं। दूसरा आर्गुमेंट आपको बताना चाहूंगा, जिस स्टेट में मैं बैठा हूं वहां पे अभी रिसेंटली ऐलान किया गया है कि कई जॉबों में जिनमें बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड थी उसको खत्म कर दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट ने बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट थी कई जॉब्स में उसको खत्म कर दिया, क्योंकि लोग बच्चे स्कूलों में जा ही नहीं रहे, इन्होंने खुद स्कूलों को प्रमोट करना छोड़ दिया। मैं आज से लगभग 6 महीने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में गया, मैं वहां घूम फिर रहा था क्लासों के आसपास, मुझे सिर्फ इंडियन और चाइनीज बच्चे नजर आए, अमेरिकन वहां से ढूंढने पड़ते हैं, ये हार्वर्ड में से जितने आईवी लीग स्कूल, इन्होंने छोड़ दिया। इनको ओबामा साहब कह गए हैं बेटा आप वीड पिए, नशा करें, यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर 400 ईयर्स, इट्स ओके टू सिट ऑन अ बैक सीट एंड सी चाइना राइजिंग एंड इंडिया राइजिंग। ये बराक ओबामा साहब इस कौम को तोहफे में दे गए हैं और ये उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे। लेकिन सर नशा तो हमारे मिनिस्टर्स भी कोई कम नहीं कर रहे, जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अभी मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि जी वह सऊदी अरब जो है वो $22 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने जा रहा है, यूएई जो है $24 बिलियन हमारे पास आने वाले हैं, और हम अमेरिका को पीछे छोड़ जाएंगे, सारी कंपनीज हमारे यहाँ आ जाएंगी। तो लोग यही उनको वहाँ ट्विटर पे लिख रहे हैं कि आखिर क्या पी के वो बैठे हैं। लेकिन सर साथ ही सी पैक के भी 10 साल इन्होंने जो है सेलिब्रेट किए, काम वहाँ एक नहीं हुआ लेकिन सेलिब्रेशन हुई है। आरजू आप देखें, ख्वाब देखने पर कौन सा पैसा खर्च होता है। पिछली दफा भी हमारा एक बच्चा था जज्बाती होकर नेशनल असेंबली में, उसने कहा था हम इतने बिलियन आईएमएफ के मुंह पे मारेगी, हम इतने पैसे वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेगी, या गोरा लोग आएगा लाइनों में लगेगा जॉब करने के लिए, उसको भी वो भी उसने भी किया था, उसी टोकन से इनको भी बर्दाश्त कर ले, क्या फर्क पड़ता। फैसल बावड़ा ने कहा था लोग कम हो जाएंगे जॉब ज्यादा हो जाएंगे, घरों में डाल डाल के जाएंगे जॉब के लेटर। देखे ये तो मौजजात, जिस तरीके से उधर से काले बकरे हो रहे हैं उधर से ये भी चल रहा है, इस तरह ही मुल्क चलते हैं, फिर क्या करें। मैंने आपको कल कहा था कि मैं जो नाइजर के बारे में पढ़ता हूं तो पाकिस्तान नजर आना शुरू हो जाता है, क्या करूं मैं। लेकिन सर सी पैक का क्या होगा, 10 साल तो इन्होंने सेलिब्रेट कर लिए, क्या ये कुछ काम होगा वहां पे, या वहां के लोग तो कह रहे हैं उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक का कहना है कि वहां के ग्वादर के लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। पीजे आपने कितने बनाए, आपने पाकिस्तान ने तरक्की तो की है, लेकिन वो पीजों के मालिक पाकिस्तान ही है ना, ये अलग बात है, वो पीजे पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन तरक्की तो आपने की है। चाइनीज को भी पता होगा, चीखते हैं आज भी वो, कई दफा उन्होंने अपने एम्बेसी बंद करने की कोशिश की है पाकिस्तान से, एहतजाज में चीख रहे हैं, वो पछता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। यकीन करें कि मुझे बड़ा अरसा पहले जब ये शुरू हुआ था तो मुझे एक दफा एहसास हुआ, मैंने कहा यार पाकिस्तान अब बेच दिया उन्होंने चाइना के हाथों, तो मुझे यहाँ दोस्त था वॉशिंगटन डीसी, उसने कहा नहीं यार ये चाइनीज भी ना पछताएंगे, इन्होंने इनको पता नहीं है पाकिस्तानी कौम कैसी कैसी खूबसूरती के साथ इनको इनको ये तड़का लगाएंगे कि तुम देखते रह जाओगे। और इन्होंने फिर थोड़े दिनों बाद ही पता चल गया कि $26 बिलियन वो एक बंदा जो था, बल्कि अमीर उल मोमिनीन के सामने बैठा था, उसने हाथ से लिख कर रसीदें दी, उन्होंने कहा नहीं ये साजा को रमीन है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हाथ में उनके तस्वीर थी और सामने उसकी तस्वीर मैंने देखी, तस्वीर पढ़े और पेपर देख रहे थे अमीरुल मोमिनीन अपने ऑफिस में, और उसके ऊपर सारे यहाँ लोगों ने, वो एक बंदा यहाँ पे जर्नलिस्ट परमानेंट भाग के आ गया जिसने वो सारी रिपोर्ट की है, यहाँ आज भी वो अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है, नूरानी मेरा कल नाम था, उस बंदे ने एक एक चीज निकाल के सामने रखी उसकी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये झूठ बोल रहा है ये सारा, ये तो बहुत ईमानदार आदमी है। लेकिन आरजू देखें
मैं हमेशा ये कहता रहूंगा, हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। और करप्शन इस वक्त आपकी इतने अरूज पे जा चुकी है, इतने अरूज पर है, हर बंदा लूट रहा है और आराम के साथ, आराम से वो थैले डॉलरों के भर भर के बाहर ला रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं आज भी, आज की डेट तक। कल हो सकता है कुछ चेंज अगर ये कर लें, लेकिन आज की डेट तक आपके एक साइड से पैसा आ रहा है पाकिस्तान में, दूसरी साइड से बोरियों के हिसाब से लंदन, अब टोरंटो इस वक्त फेवरेट डेस्टिनेशन है कनाडा के अंदर, करप्ट आपकी रूलिंग एलीट की फेवरेट इस वक्त जो डेस्टिनेशन है वो टोरंटो। लेकिन सर गवर्नमेंट जाते जाते बेतहाशा बिल पास करके जा रही है, और वो ऐसे बिल जो आम लोगों को जिससे नुकसान होता है, जैसे अभी इन्होंने एक आर्मी एक्ट का जो बिल लेकर आए जिसमें जी सोशल मीडिया पे पाबंदी और दूसरी सारी चीजों के ऊपर, तो लेकिन खैर अभी प्रेसिडेंट का साइन रहता है उसके ऊपर, मगर सर किस बात से डर रहे हैं ये लोग चुप तो नहीं करेंगे इस तरह के अगर ये बिल्स लेकर आए? लेकिन उस बिल का मकसद ये था कि इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान आर्मी को इसमें ना लाया जाए, उसका ये था। लेकिन देखें डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं उनके अंदर हर चीज पॉसिबल है। देखिए आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, आपका क्या ख्याल है कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे तो बिल्ली चली तो नहीं जाती ना, इंटरनेट बंद करने से आपका क्या ख्याल है लोग छुप जाएंगी चीजें। लेकिन दर हकीकत इस वक्त आरजू अगर देखा जाए तो यू आर नॉट फेलिंग एज अ कंट्री, यू हैव फेल्ड एज अ कंट्री, बट राइट नाउ यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी। रिजवाना का केस देखा जाए, भावलपुर यूनिवर्सिटी का केस देखा जाए, यू आर फेलिंग एज अ सोसाइटी, यू आर फेलिंग एज अ ह्यूमन। आपको अब मेरे ख्याल में, मैं पहले समझता कहते पहले जोर देता रहा हूं इस चीज पे, पाकिस्तान बनने की कोशिश करें, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में इस वक्त तो आपको इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर मैं जब रिजवाना का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हर रूलिंग एलीट के हर के घर के अंदर 10-10 रिजवाना बैठे, अब वो 14 साल की बच्ची है, उसको हमारे जज, सिविल जज साहब इस्लामाबाद के अंदर, उनकी वाइफ ने चोरी पे सजा देने की कोशिश की, 14 साल की बच्ची की दोनों बाजू तोड़ दिया उसने डंडों के साथ।